हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अजमत। आज के अपने ओरिजिनल देसी मुर्गी पालन की टॉपिक है 500 मुर्गी का सेटअप किस तरह से बना है, किस तरह से 500 मुर्गी पालना चाहिए, 500 मुर्गी पालने के लिए हमें क्या क्या चीजें करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त आज की टॉपिक। मेरे ख्याल से आज तक मेरे यूट्यूब के जितने भी वीडियोस है उस सारे वीडियोस में से सबसे बेहतर वीडियो यही लगता है मुझे। तो आप देखिए, बाकी वीडियो भी अच्छे है बट मुझे तो बहुत ज्यादा ये क्यों अच्छा लगता है, ताकि लोगों की बहुत सारी मदद हो सकती है इससे। बहुत मुर्गी पालन कर रहे हो तो आसानी हो सकती है, इसलिए पूरा वीडियो बिल्कुल मिस मत होना, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि मेरे अगले भी वीडियोस आपको आ सके। चलो फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले और एक छोटी सी बात, क्या है, 2022 आ चुका है, सभी को तहे दिल से विश यू हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपका ढेर सारा खुशियां लाए और आपका सक्सेस ईयर बने। सभी को वन सेकेंड हैप्पी न्यू ईयर, आपको भी और मुझे भी खुशियां लाए। ठीक है, चलो वीडियो में चलते हैं। 500 मुर्गी पालने के लिए हमें पहला काम क्या करना चाहिए, फार्म बना लेना है। कितने फीट भाई, कितने फीट का बनाना है, 25 फीट भाई, 25 फीट का आप इस तरह से फार्म बनाना है दोस्त। 25 फीट आड़े में रहना है, 25 फीट इस तरह से आड़े में रहना है, 25 फीट लंबाई रहना है फार्म के। तो इसमें कितने बर्ड्स आएंगे, 600 बर्ड्स आराम से मा जाएंगे, ज्यादा छोटा नहीं होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। किस तरह से मैं ये फार्म, इतने मेजरमेंट बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। जो 35x35 का अपना जो फार्म था पुराना, वो फार्म में आराम से 1500 मुर्गी भी मां जाती थी। इसीलिए आपको ज्यादा छोटा नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं, इसीलिए 25x25 का फार्म रेडी कर लेना है। और रेडी करने के बाद आपको क्या करना है, 500 मुर्गी ला लेना है, उसके साथ आपको 100 मुर्गे भी लाना है ताकि फर्टाइल अंडे निकल सके, अंडों में से बच्चे बन सके। जो बच्चे फर्टाइल एक जिसे कहते हैं हम, मुर्गा क्रॉस होने से मुर्गी पे, तो वो अंडों में से बच्चे निकलेंगे। तो आप सिर्फ मुर्गे लाओगे तो कुछ फायदा नहीं है दोस्त। इसीलिए 500 मुर्गे लाना है, उसके साथ 100 मुर्गे भी लाना है। 25x25 फीट फार्म बना लेना है आपको। और अब ये बात, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अंदर चूहे नहीं गए जैसा अच्छे से बारीक जाली मार लेना है ऐसे फार्म को, ताकि बच्चों को चूहे बहुत सारे काट लेते, खा लेते। हमें बहुत सारी तकलीफ हुई है, लगभग एक 8 महीने या 1 साल तक चूहों की दिक्कत बहुत ज्यादा आ गई है। ये दिक्कत आपको ना आए इसीलिए बारीक जाली मार लेते हो, 25x25 का फार्म बना लेते हो, 500 मुर्गी ला रहे हो और 100 मुर्गे ला रहे हो, इस तरह से अभी फार्म स्टार्ट कर दिए हम। इसके बाद क्या करना है हमें, देखिए डेली कितने अंडे निकलेंगे इसमें, फिर हमें तो डेली 70x निकलेंगे भाई। इतने कम क्यों निकलेंगे या इतने ज्यादा क्यों निकलेंगे कहकर मत पूछना, क्योंकि हम प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं तो कम अंडे निकलेंगे दोस्त। 70x डेली, 500 मुर्गी में 70x का ही पकड़कर आपको फार्म स्टार्ट करना है। अगर आप ज्यादा नंबर पकड़कर स्टार्ट करोगे ना, फंस जाओगे वहीं, उतने अंडे नहीं निकलेंगे। आप मैं किस तरह से मतलब रन करना है समझ में नहीं आएगा, इनकम नहीं आएगा, खर्चा ही लगते जाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाती है आपको। इसलिए प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गी पालन करना चाह रहे हो तो आपको डेली का 70, इससे ज्यादा भी निकलेगा। कब निकलेगा वो, जब आपको तजुर्बा आएगा, एक्सपीरियंस आएगा, मुर्गी को क्या खिलाने से ज्यादा निकलेंगे, ये सारी एक्सपीरियंस आ जाएगा आपको, तब आप जितना आपका दिल चाहे उतना निकाल ले सकते हैं। बट पहले आप बिजनेस स्टार्ट करते समय 500 मुर्गी में 70 अंडे का मेजरमेंट पकड़ करिए आप चलना है। तो हमें कितने अंडे निकल रहे हैं डेली, 70x निकल रहे हैं डेली। तो हम ये 70x को, नेक्स्ट काम क्या रहेगा, हमें बच्चा बनाना रहेगा। फिर वो बच्चा किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से बनाए भाई, मुर्गी के नीचे डाले या इंक्यूबेटर में डाले, किस तरह से वो अंडों को बच्चे बनाए, कहकर एक सवाल रहता है आपको। मुझे पूछोगे तो मैं आपको एक ही सजेस्ट करूंगा कि दोनों के नीचे डालना है। वो किस तरह डालना है, देखिए आज 1 तारीख है, मान लीजिए 1 तारीख के दिन मैं क्या कर रहा हूँ, एक मुर्गी को 10 अंडों के साथ खुड़क बिठा दे रहा हूँ। उसके बाद क्या करूंगा मैं, इसी दिन इसी टाइम पे इंक्यूबेटर में 60 अंडे डालूंगा। ठीक है, उल्टा लिखना पड़ता है, फ्रंट कैमरा से शूट हो रहा है ना, इसीलिए 60 अंडे इंक्यूबेटर में डालूंगा। तो ये 60 अंडे कब आएंगे, ये टोटल कितने अंडे हो गए हमारे पास, डेली 70 अंडे निकल रहे। तो शाम में मैं क्या करूंगा, डेली एक मुर्गी को अंडों के साथ 10 अंडे डालकर बिठा दूंगा और 60 अंडे इंक्यूबेटर में डालूंगा। यहाँ पर इंक्यूबेटर में 60 अंडे, टोटल 70 अंडे हो गए हमें। फिर ये 70 अंडों में से कितने बच्चे निकलेंगे, आप अगर से मुर्गी पालन कर रहे हो या एक्सपीरियंस है आपको, तो आप ध्यान से याद रखना है, जब स्टार्टिंग में आपको 100 अंडों में से 80 पकड़कर चलना है, 80 बच्चे पकड़कर चलना है। तो अभी हम 70 अंडे मुर्गी के पेट के नीचे डाले, इंक्यूबेटर में डाले, फिर कितने बच्चे निकलेंगे अभी हम अपने पास, 55 चिक्स निकलेंगे दोस्त। यही आप टारगेट पकड़कर चलना है, 55 चिक्स अपने पास निकलेंगे डेली। डेली मतलब 21 डेज के बाद, आज 1 तारीख है ना, 1 तारीख के, 1 तारीख के दिन हम मुर्गी को अंडों को डाले, तो 21 को क्या होगा, 55 चिक्स अपने पास निकलेंगे। फिर 22 को क्या होगा, फिर यहां पर 2 तारीख के दिन फिर इसी तरह से सेम डालेंगे हम,
2 तारीख के दिन डाले तो 22 को भी इस तरह से निकलेंगे, डेली इस तरह से प्रोसेस चलते रहेगा। तो आपको समझ में आ गया है यहाँ पर बच्चे किस तरह से हम बना रहे हैं। फिर कितने कैपेसिटी का इंक्यूबेटर ला लेना है आप, 1000 या 2000 स्टार्टिंग में कम का ही ला लीजिए, बाद में आप बड़ा भी ला ले सकते हो अगर से आपको तजुर्बा आ गए के बाद, बिजनेस जम गए के बाद। जम जाएगा, फॉलो करते रहिए, डेफिनेटली आपकी हर तरह से वीडियोस में मदद करते रहेंगे हम, वीडियोस अच्छे अच्छे बनाकर डालते रहेंगे। तो अभी आपको क्या पता चल रहा है, बच्चे किस तरह बना ले रहा है ये भी पता चल गया है आपको। तो अभी क्या करेंगे हम, नेक्स्ट काम क्या करेंगे, डेली अपने पास क्या हो रहा है, 55 चिक्स आ रहे हैं, 55 चिक्स 70 अंडों में से 21 डेज बाद 55 चिक्स आ रहे हैं, वो 21 डेज बाद कंटिन्यू डेली 55 चिक्स आते रहेंगे। तो अभी क्या करेंगे हम, फिर डेली अपने पास तो 55 बच्चे आ रहे हैं, 55 बच्चों को किस तरह से पाले, किस तरह से कहां पर रखे, कितना घर बनाए, डेली आपके पास 55 चिक्स आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, 4 फीट बाई 4 फीट, यहां पर देखिए 4 फीट, इस तरह से 4 फीट रहना है ये, और इस तरह से 4 फीट रहना है ये, 4 बाई 4 में पिंजरा बना ले रहे हो आप जाली का, जो बारीक चूहे नहीं गए जैसा, 4 फीट बाई 4 फीट का पिंजरा बना रहे हो। यहां पर देखिए एक पिंजरा, आप आज अपने पास क्या क्या निकला है, 22 डे पे, 1 तारीख के दिन तो हम मुर्गी को बिठा दिए थे, 22 पे क्या हुआ है, एक मुर्गी को आप क्या करो, एक मुर्गी 8 बच्चे निकाल ले रही है, 10 बच्चे भी निकाल ले रही है, तो टोटल आपके पास 55 चिक्स के साथ इंक्यूबेटर के और मुर्गी के 2 चिक्स मिला दे रहे हो आप, 55 चिक्स मिलाकर एक मुर्गी के साथ वो 55 चिक्स को इस तरह के पिंजरे में डाल रहे हो, 55 चिक्स प्लस 1 मदर हेन, इस तरह से। आपको ये मदर हेन क्यों डाल रहे हैं हम, हमें ब्रूडिंग का खर्चा करना ना पड़े और मुर्गी अच्छे से दाना पानी खिला ले, इसीलिए मुर्गी को डाल रहे हैं। और मुर्गी के साथ प्योर ओरिजिनल देसी में बच्चे रहेंगे ना, बहुत बेहतर रहता है। क्या क्यों बता रहा हूँ, ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ताकि कितने बच्चे पालाऊ मुर्गी के साथ, 70, 70, 60, 60, 74, 64, आप पिछले वीडियोस रेगुलर देख रहे हो मुझे तो आपको पता चलेगा, ताकि अच्छे से संभाल लेगी मुर्गी, ताकि आपको अच्छे से हिफाजत करना है, ये जाली के ऊपर नाइट के टाइम पे पर्दे ढाप देना है, ताट के थैले ढापना है, अच्छे से हिफाजत करना है, वो मेरे अगले वीडियोस में भी बताऊंगा और पिछले वीडियोस में भी ऑलरेडी है, वो देखेंगे तो आप समझ जाओगे। तो अपने पास डेली अभी 55 चिक्स निकल रहे हैं, तो वो 55 चिक्स को एक मदर हेन के जैसा साथ, जो एक मुर्गी को 8 अंडों के साथ क्यों, 10 अंडों के साथ क्यों बिठाए भाई, 70 अंडे डायरेक्ट इंक्यूबेटर में डाल दे सकते हो ना, अगर जब एक डॉट आएगा तो वो डॉट यहाँ पर क्लैरिफिकेशन हो रही है आपको, ताकि एक मदर हेन चाहिए हमें, खुड़क बच्चों को संभालने वाली मुर्गी चाहिए, सादी मुर्गी को लेकर अगर बच्चों को डाल दोगे आप उसके साथ तो भूख कर मार देगी, इसलिए एक मदर हेन चाहिए हमें, तो इसलिए उसको 10 अंडों के साथ डाले। तो यहां पर 55 चिक्स को एक मदर हेन के साथ एक पार्टीशन में, एक जाली में, पिंजरे में डाले। और एक बात क्या याद रखना है दोस्त आपको, जितना फ्री रेंज एरिया में करोगे आप फार्मिंग ओरिजिनल प्योर देसी का, उतना बेहतर रहेगा दोस्त, बाहर उसे कीड़ा मकोड़ा प्रोटीन मिल जाएगा, अच्छे से घास भी मिलेगा, जो चाहिए अच्छे से फ्री रहेगा, बाहर के वेदर में ऑक्सीजन भी अच्छे से मिलेगा, इसीलिए आपको डेली मॉर्निंग खोलते हो बच्चों को और नाइट में बंद करके रखते हो। नाइट में और एक स्पेशल केयर क्या करना है आपको, ऊपर से बेडशीट ढाप देना है या टाट के थैले वगैरह कुछ भी ढाप देना है, गर्म, बच्चों को गर्म रहे जैसा। तो इस तरह से हमें क्या क्या होगा, अभी अपने पास डेली एक पिंजरे में एक मुर्गी 55 चिक्स आते रहेंगे। तो इस तरह से कितने दिन कंटिन्यू होते रहेंगे, देखिए एक तारीख के दिन, एक मतलब पहला दिन क्या हुआ है, एक मुर्गी 55 बच्चे एक पिंजरे में चले गए, फिर दूसरा पिंजरा रेडी करना है हमें सेकंड पिंजरे में एक मुर्गी 55 चिक्स इसी तरह से आएंगे, फिर तीसरे दिन भी एक मुर्गी 55 चिक्स इसी तरह से, और एक पिंजरे में डाल रहे हो, फ्री रेंज में कर रहे हो तो बहुत बेहतर है, फ्री रेंज में करना ही बहुत बेहतर माना जाता है दोस्त, कहीं जमीन को लीज पर लेकर या खुद की जमीन हो तो कर ले सकते हो, बहुत बेहतर है। कितना जगह जमीन होना चाहिए ये भी बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो देखिए 55 चिक्स के साथ इस तरह से हम 90 डेज, एकवें दिन से लेके 90 डेज तक क्या करेंगे, एक एक दिन एक एक मुर्गी के साथ 55 बच्चे 55 चिक्स इस तरह के पिंजरों में डालते रहेंगे। एकवें दिन डाले हैं, दोवें दिन डाले हैं, तीसरे दिन डाले हैं, चौथे दिन, इसी तरह से प्रोसेस कंटिन्यू होता है। आखिरी में देखिए 88 डे पे एक मुर्गी 55 और 89 डे पे एक मुर्गी 55 इस तरह से डालते जाएंगे। टोटल 90 डेज कंप्लीट होंगे यहाँ पर। अच्छे से रिवीजन पीछे जाइए फिर समझिए, ताकि बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्त। अगर से आप पॉजिटिव रूप से करने की कोशिश करेंगे ना, समझने की कोशिश करेंगे ना, डेफिनेटली बहुत इनकम देगा ये बिजनेस, जितना इनकम देगा और किसी भी बिजनेस इतनी आसानी से इतना जल्दी इनकम नहीं दे पाएगा दोस्त।
उनको हो गया बट आसानी से, नॉलेज स्टडी की नॉलेज भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस, और जो मुझ जैसे भाई बोलते हैं एक्सपीरियंस वाले वो सुन लोगे ना काफी रहेगा आपको बहुत सारा। तो 90 डेज, एकवे दिन से लेकर 90 दिन तक हर दिन जो एक मुर्गी 55 बच्चे निकले अपने पास 90 पिंजरों में डाल दे रहे हैं डेली एक एक। तो अभी 90 डेज के बाद क्या करेंगे हम, जो 90वें दिन पे एक मुर्गी 55 चिक्स डाले हैं हम ये, तो यहां पर 90 डेज पे ये डाल रहे हैं तो इसकी एज कितनी होगी, यहां पर एकवे पिंजरे की एज कितनी होगी, 90 डेज हो जाएगी इसे, 90 डेज इसकी एज होगी। तो हम ये 90 डेज वाले बच्चों को क्या कर रहे हैं, एक और एक थोड़ा बड़ा फार्म बना ले रहे। कितना बना रहे, 100 मुर्गी मायस उतना, 1000 मुर्गी मायस उतना फार्म बना रहे। तो कितना फीट रहना है, 35 फीट का एक अच्छे सा फार्म बना ले रहे हो, थोड़ा ज्यादा ही जगह लोगे तो फ्री रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, बीमारियों का शिकार नहीं होंगे जल्दी से। तो यहां पर 1000 बर्ड्स का एक फार्म यहां पर रेडी कर ले रहे हैं 90 दिन के बाद, पहले भी कर ले सकते हो, तो 90 डेज के बाद कंपलसरी ये फार्म जरूरत पड़ेगी आपको। इसमें क्या कर रहे हैं हम, जो पहले दिन के बच्चे हो गए ये 90 डेज में क्या होता है, 3 महीने के हो जाते हैं, 3 महीने के बच्चों को हम ये क्या कर रहे हैं, ये बच्चों को एक डे वन का सेट को हम क्या कर रहे हैं, पहले जो हम सेट बनाए थे उसकी एक जो 90 डेज हो गई है 3 महीने के, तो हम ये मुर्गी को अलग कर देंगे, अलग हो जाएगी मुर्गी, जब तक अगर से अलग नहीं हुई तो ये मुर्गी को क्या करेंगे हम, अलग कर देकर जो बाकी ये 55 बच्चे, ये 55 बच्चे यहाँ पर 55 बच्चों में से 3 महीने तक 50 बच्चे बचेंगे दोस्त, बड़े हुए तक मतलब 3 महीने के अंदर ही ज्यादा मरने के चांसेस रहते हैं, इसलिए 50 चिक्स यहाँ पर ये फार्म में आ जा रहे हैं बड़े वाले फार्म में, 3 महीने के बच्चे। फिर दूसरे दिन क्या हो रहा है, यहाँ पर ये डालते ही ये पिंजरा खाली हो जा रहा है आपको, ये पिंजरे में हम क्या करेंगे, आज निकली 55 बच्चे क्या करेंगे हम, ये पिंजरे में डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पर डाल रहे हो पिंजरा, और ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको, सिर्फ 90 पिंजरे बनाना है, 90 पिंजरे बनाए तो काफी है। तो ये 55 चिक्स क्या हो रहे, 55 में सिर्फ 5 चले भी गए तो 50 चिक्स बच रहे, 50 चिक मतलब मुर्गिया मुर्गा बन रहा है वो, 3 महीने के हो जा रहे हैं, तो ये फार्म में रेडी कर ले रहे हैं, जो हमारे पास आज 55 चिक्स और एक मदर है इसमें डाल दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे सेकंड डे का जो पिंजरा है वो भी खाली हो जा रहा है, ताकि उसकी भी एज 90 डेज हो जा रही है, फिर वो बच्चों को भी ये 50 बच्चों में लाकर मिला दे रहे हैं, तो ये फार्म रेडी हो जा रहा है इस तरह से, ये बच्चे भी इस तरह से। फिर ये तीसरे दिन के बच्चे भी खाली हो जा रहे हैं, ये बच्चों को 3 महीने के हो जा रहे हैं, तो 3 महीने के होते ही ये बच्चों को भी ये फार्म में ला ले रहे हैं, जो हमारे पास आज निकले हैं बच्चे वो बच्चों को ये पिंजरे में डाल रहे हैं। इस तरह से हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं। फिर भाई एक ही दम बड़ा फार्म बना लो, 2000 बच्चों को डालो, 3000 बच्चों को डालो, तो ये ओरिजिनल देसी मुर्गी में बहुत मुश्किल रहता है दोस्त, ताकि एक को भी बीमारी आ जाए ना, तो ताकि ये बच्चों को कैसा रहता है, ये हम थोड़ा लॉन्ग टाइम पालना रहता है, ऐसा नहीं कि 35 डेज में ही कंप्लीट हो जाती है इसकी लाइफ साइकिल, 35 डेज में ही बेचना पड़ता है, तो उस तरह का बड़ा फार्म बनाकर बच्चे लाकर डायरेक्ट बेचते थे। पर ये इस तरह का जो बिजनेस मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर अंडे भी अपने पास ही निकलेंगे, बच्चे भी अपने पास ही निकलेंगे, मुर्गी भी अपने पास ही बनेगी, किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ये एक और एक दूसरा ट्रिक क्या है इसमें, अगर ये 55 सेट में बीमारी आई है, रानीखेत आ गई, ये सीआरडी आ गई है, तो ये एक 55 चिक्स को हम निकाल दे रहे, उड़ा दे रहे, यहां से दूसरी जगह पे ला ले रहे, तो बाकी के सारे सेफ है। अभी देखिए ये पूरों को हम एक जगह रखकर 5000 मुर्गी बच्चों को एक ही जगह रखकर हम ये करेंगे, तो उसमें से थोड़े बच्चों को भी आ गई ना, रानीखेत ऐसा फैलती है रॉकेट की तरह से फैलती है, तब पूरे बच्चे रिस्क में गिर जाएंगे, संभाल नहीं पाओगे आप। इसीलिए ये ट्रिक मैं पहला रिसर्च कर सक्सेस होकर आपको बता रहा हूं मैं, ये इस तरह से बीमारियों से बचाने भी, और ये देसी मुर्गी में क्या है, आपस में बहुत ज्यादा लड़ लेते हैं, इसीलिए थोड़ा सा दूर दूर रहने पर भी रहने से लड़ाई भी खत्म होती है। इस तरह से बहुत सोच समझ कर प्रैक्टिकल कर ही इस तरह के पॉडिशंस बनाया हूं, इस तरह से आप करते हो, 90 पिंजरे बना ले रहे हो ये। फिर इसके बाद 1000 भर गए के बाद, इसमें ये फार्म में 1000 भर गए, तो हम क्या करेंगे, और थोड़ा सा इसी तरह का फार्म 35 फीट का और एक फार्म बना ले रहे हैं, बना लेकर क्या करेंगे, इसमें भी सेम इसी तरह से भरते जाएंगे, ऊपर से बच्चे खाली होते जाएंगे, नीचे भरते जाएंगे भाई। फिर हम 10000 मुर्गी का फार्म बना लेंगे एक ही बार, सारे बच्चों को एक ही फार्म में रखेंगे, मतलब 3 महीने क्रॉस होते ही बच्चों को इसमें रख देंगे फार्म में। देखिए अगर से बीमारी आई ना, बहुत ज्यादा खतरा रहता है दोस्त, आपको बीमारी आई भी तो आपको नुकसान ना झेलना पड़े ज्यादा, तो इस तरह का फार्म बना ले रहे हो, 1000 इसमें रख रहे हो, फिर ये भरते ही 1000 बाकी का इस तरह से रखते हो, तो इस तरह से आप कंटिन्यू इसका सेटअप करते हो। फिर यहां पर देखिए अभी टोटल अपने पास 90 पिंजरे तो हो गए, 90 पिंजरे, एक
मेन फार्म और उसके बाद 90 पिंजरे हो गए, और इसमें क्या है एक एक बैच का आराम से एज भी आपको कैलकुलेशन मिल जाएगी इसमें। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अभी यहां तक तो क्लैरिटी से समझ गए हो ना दोस्त। अभी यहां से जो बता रहा हूँ और भी थोड़ा सा फोकस कर देखिए, फिर इतना कर रहे हैं हम तो कितने बर्ड्स रहेंगे अपने पास। तो देखिए यहाँ पर एक मुर्गी के साथ 55 बच्चे डाल रहे हैं ना, तो हम जब बड़े करते रहेंगे उसमें से 5 डैमेज भी हो गए, तो एक पिंजरे में 50 रहेंगे, तो 50 रहेंगे, तो यहाँ से पिंजरे कितने हैं अपने पास, इस तरह के पिंजरे 90 पिंजरे है, हर पिंजरे में 50-50 है, तो 50 बर्ड्स एक पिंजरे में है अपने पास, और टोटल कितने पिंजरे हैं, 90 पिंजरे हैं अपने, 50 × 90 करेंगे तो अपने पास टोटल ये पिंजरों में बर्ड्स कितने हैं, ये पिंजरों में यहाँ पर देखिए 4500 ये पिंजरों में अपने पास बर्ड्स है, तो और 500 ये मदर हेन्स है यहाँ पर ऊपर के भी, और यहाँ पर जो एक एक पिंजरे में एक एक मदर हेन है ना, ये मदर हेन है और ऊपर भी अंडे देने वाले भी है, ये 500 है, और 100 मुर्गे भी है, ये मुर्गे बाद में ऐड करते हैं, तो टोटल यहां से लेके यहां तक कितने हो गए अपने, यहां पर देखिए 5000 तो यहां पर बर्ड्स हो गए अपने इतने दूर पे। तो हमें क्या करेंगे, इस तरह के फार्म्स कितने रहेंगे, फिर नीचे जो हजार हजार के पोटिशंस कितने बन रहे हैं हमें बनाना पड़ता है 500 मुर्गी पालन में, 500 मुर्गी पालन कर रहे हैं तो 20 बनेंगे ये, 20 ये फार्म्स बनेंगे 35 बाई 35 फीट के 20 बनेंगे, तो यहां पर देखिए 20 इस तरह के फार्म्स है अपने पास, 20 फार्म्स, एक एक फार्म में कितने हैं अपने पास, एक एक पोटिशन में 1000 बर्ड्स है, 1000 बर्ड्स, तो 20 × 1000 कितने हो गए, 20,000 यहां पर हो गए, ये बड़े फार्म में 20,000 इसके हो गए, ये बड़े फार्म्स के 20,000 हो गए, और ये ऊपर के फार्म्स के कितने हो गए, ऊपर के पार्टीशन के 5,000 हो गए, टोटल कितने हुए 25,000 बर्ड्स अपने पास है। अगर से मुर्गे भी ऐड करना चाह रहे हो आप तो 100 मुर्गे भी है, 26 टोटल रहेंगे। पिछले वीडियो में मैं बताया था कि आपको 500 मुर्गी पालन कर अंडे निकालकर उससे बच्चे बनाकर हम किस कितना कमा सकते हैं, महीने का 4 लाख इनकम किस तरह से कमा सकते हैं कहकर मैं पिछले वीडियो में बोला था। उसमें एक भाई बहुत अच्छा सा कमेंट करे, वो बहुत कमेंट्स अच्छे अच्छे करते हैं, बट ये कमेंट थोड़ा मुझे दिल को लगा है। तो भाई इतना 500 मुर्गी का जो बता रहे हो आप इनकम, तो बहुत रिस्क ज्यादा रहता है, मैं पहले ही बताया हूँ, अंडे बेचना सेफ बिजनेस रहता है, कम इनकम सेफ बिजनेस जो रहता है, बहुत कम इनकम आएगा उसमें, थोड़ा रिस्क, बच्चे बेच रहे हो आप तो थोड़ा ज्यादा रिस्क रहेगा, थोड़ा ज्यादा रिस्क, बच्चे बेच रहे हो तो वो बच्चों को फिर अंडे निकाल कर बच्चे बनाकर वो बच्चों को बड़ा करोगे तो ज्यादा रिस्क रहेगा कहकर मैं पहले ही बताया था। ज्यादा रिस्क आप इतना बड़ा ज्यादा रिस्क लोगे तो ही महीने का 4 लाख इनकम कमा सकते हो, नहीं तो रिस्क नहीं रहने से इनकम चुपी 4 लाख इनकम आएगा तो हर लोग जॉब धंधा छोड़कर, सॉफ्टवेयर जॉब भी छोड़कर आराम से यही बिजनेस कर लेते, आसानी से कमा ले सकते थे, बट इतना रिस्क रहता है आपको, इतने स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा करना पड़ता है, इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इतने प्लानिंग्स करना पड़ता है, इतने तरीके से संभालना पड़ता है, तब जाकर एक महीने का 500 बर्ड्स से 4 लाख इनकम कमा सकते हो। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो आप तो आई कार्ड पे मैं वो वीडियो दे दूंगा या प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो रहेगा, आपने जाकर देख सकते हो आप 500 मुर्गी से 4 लाख इनकम किस तरह से कमा सकते हो एक महीने का, एक ही महीने में। आज स्टार्ट करो आप 500 मुर्गी लाकर तो कल दूसरे महीने में ही तीसरे महीने में ही नहीं आ जाएगा आपको, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस चलेगा ये, थोड़ी देर प्रोसेस चले के बाद जिस तरह से आप मेंटेन करते हो वो हिसाब से आपको आगे जाकर एक महीने का इनकम इस तरह से देगा। लगभग 1 साल या 2 साल तक का टाइम लगता है इसमें आपको सेट होने के बाद, उसके बाद महीने का इनकम 4 लाख आराम से कमा ले सकते हो ये प्रोसेस से चले तो आप इस तरह से। देखिए एक मुर्गी आपके पास डेली कितने 70 अंडे निकल रहे हैं, 70 अंडों में से डेली आपके पास 55 चिक्स निकल रहे हैं, 55 चिक्स, 21 डे गैप रहेगा इसमें सिर्फ, देखिए 21 डे गैप के बाद हर दिन 55 चिक्स निकलते रहेंगे। इसके बाद यहां पर 180 डेज आपको मुर्गी बनाने में लगेगा, 6 महीने में लगेगा टाइम यहां पर, ये 6 महीने, 6 महीने के बाद हर दिन 50 मुर्गी निकलते रहेंगे, आप बेचते रहोगे तब जाकर 6 महीने बाद उतना इनकम आएगा आपको 4 लाख महीने का, आप इंटू करिए इससे ज्यादा भी आ जाएगा। ये जो बिजनेस है ओरिजिनल देसी मुर्गी पालन, एक इतनी गहरी बूढ़ी है ये, यहां पर देखिए बिजनेस के बारे में एक बात में मैं कहूंगा तो इतनी गहरी बूढ़ी है ये बॉडी में क्या करते हैं बहुत सारे भाई, डायरेक्ट ऊपर से छलान मारते हैं, तल लाने की कोशिश करते हैं, ये मट्टी लाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर ये मट्टी लाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर बीच तलक जाते हैं सांस बसने होकर फिर ऊपर रिटर्न आ जाते हैं यहाँ पर। अगर से अपन को क्या करना है, ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेना है, ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर छलांग मारना है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लेकर जब जाकर तल मट्टी ला सकते हो नीचे अंदर तलक जाकर। यहाँ पर ये ऑक्सीजन सिलेंडर क्या है,
आपका एक्सपीरियंस और आप जितना नॉलेज प्राप्त कर सकते हो, अभी इतनी जो क्लास सुने हो आप या आप नॉलेज प्राप्त कर रहे हो, इतना जो सीख रहे हो आप, ये क्लास देखकर सीख रहे हो जो नॉलेज है, ये नॉलेज आपको, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। इस तरह से कितने वीडियोस देखोगे आप, कितना जानकारी लोगे गूगल से, बुक्स से, मुझ जैसे भाइयों के वीडियोस से लेकर आप बिजनेस करोगे, तो इतने इस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन कितना भर लेकर कूदोगे बॉडी में तो उतना तल ला सकते हो। अगर से आजकल बहुत सारे भाई क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कूद जा रहे हैं बॉडी में, मैं कर लूंगा कहकर जाकर बॉडी में कूद जा रहे हैं, तो फिर रिटर्न आना पड़ रहा है थोड़े भाई, वही बीच में ही फंस जा रहे हैं। तो इसीलिए क्या करना है आपको, नॉलेज प्राप्त करना है। इतनी सी अच्छी सी नॉलेज ये वीडियो में मैं दिया हूँ कहकर मुझे लगता है, क्या लगता है आपको ये भी कॉमेंट बॉक्स में बताना। आपके अच्छे अच्छे कॉमेंट मुझे बहुत सारी खुशी देते हैं और अच्छे ही कॉमेंट्स करते हैं सब भाई मेरे को, ठीक है। तो अभी अगले भी वीडियोस आने के लिए क्या करोगे आप, सब्सक्राइब जरूर कर लोगे और उसके साथ बेल आइकॉन की घंटी जो है वो भी चेक कर लीजिए एक बार, ऑल पे या नहीं है, नहीं रहे तो ऑल कर लीजिए बेल आइकॉन की घंटी। और अपने वो चैनल पे भी, कौन से बेस्ट बिजनेस पोल्ट्री चैनल पे भी लगातार वीडियोस आ रहे हैं, डेली सीरीज बन रही है उस पे, इंक्यूबेटर की सीरीज हो जाए या मुर्गी के बच्चों की, वो भी देखिए, घर में ही बहुत आसानी से इस तरह से मुर्गी पालन कर सकते हो, वो भी वीडियोस है उस पे, जाइए डेली वीडियोस आ रहे हैं। आज से मॉर्निंग 7 o'clock वो चैनल पे वीडियोस आएंगे, ये चैनल पे नाइट के 7 o'clock आने की कोशिश करेंगे, देखेंगे टाइम किस तरह से मिलेगा उस तरह से मैनेज करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखना और याद भी रखना, मैं हूं आपका दोस्त अजमत, हैव अ नाइस डे। और एक बार, इतने सेटअप के लिए कितनी जगह चाहिए रहती है ये भी बात कर लेते हैं। अगर से आपके पास 5 acres है तो बहुत बेहतरीन है दोस्त, अगर 10 acres है ज्यादा है तो भी चलेगा, ज्यादा कीड़ा मकोड़ा घास अच्छे से मिलेगा, बट आपको साफ सफाई रखनी पड़ेगी। 5 acres से कम हो तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, एक जगह रहकर ज्यादा मतलब कम जगह में पालना पड़ता है, तो 5 acres हो तो काफी रहेगा, मस्त रहेगा। और वीडियो एंड करते करते एक बार ये भी जान लेते हैं कि इनकम कितना निकलेगा। फिर एक शॉर्टली तौर पे बता देता हूँ इनकम, देखिए इनकम के बारे में बताता हूँ। आपके पास 500 बर्ड्स में डेली अंडे कितने निकल रहे, 70 eggs डेली निकल रहे, तो 70 eggs में से हम बच्चे बनाएंगे तो कितने निकल रहे, 55 बच्चे बन रहे, वो 55 बड़े हुए तक मुर्गी या मुर्गा बने तक कितने बच रहे उसमें से 50, तो डेली हम कितने सेल कर सकते हैं 6 महीने के बाद, डेली 50 मुर्गी या मुर्गा बने हुए रहते हैं और डायरेक्ट, तो वो बेच सकते हैं हम, तो डेली 50 मुर्गी हम बेच रहे हैं, तो डेली का मारिए अभी ओरिजिनल प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गी, एक मुर्गी 500 तक बेच सकते हो आप, 400 भी लगा सकते हो कास्ट, एक एक इलाके में एक एक तौर पे रेट रहता है, अभी यहां तो 500 पे अगर से पूरे वैक्सीन कर रहे हो आप तो बिल्कुल 500 रेट जायज है उसका, कम में भी मिल जाएगी बट वो बिना वैक्सीन की रहेगी, जो घरों के पास पालते हैं कुछ कनकी वगैरह डालकर 400 रुपये 350 रुपये के बीच में भी मिल जाएगी, बट वो घरों के पास पालने वाली नहीं होती, अपने फार्म में अच्छे ओरिजिनल तरीके से बिल्कुल फ्रेश खाना डालकर उसे और वैक्सीन कर पाले है, तो हमें क्या करना है 500 को बेचना है, तो डेली 50 बर्ड्स बेचने के लिए आ रहे हैं आपके पास, तो मार्केट देखिए महीने का इनकम, डेली का इनकम कितना हो रहा है, वो डेली के इनकम को 30 डेली इनकम इंटू 30 मारिए, 30 दिन का इनकम कितना होता है स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप सिर्फ 500 बर्ड्स से इस तरह से बच्चा अंडे निकाल कर बच्चे बनाकर बच्चों को बड़ा कर बेचकर इस तरह से कमा सकते हो, जो इनकम है वो इनकम में आधा इनकम खर्चे के लिए निकाल दीजिए, आधे से भी कम भी सिर्फ 25% भी आपके पास रखकर बाकी का जब 75% आप मुर्गियों में खर्चा करोगे 25% भी इनकम आपके पास बच रहा है तो बहुत बेहतरीन है, काफी होगा। जो महीने का इनकम जो 2-3 lakh आई तो भी काफी है यार, महीने का इनकम किधर का उधर जाकर काफी नहीं है, मस्त रहेगा। और आप जब एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा और भी ज्यादा मुर्गी पालन कर ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर एक 5 acres लिए हो या वहां पर दूसरी जगह पे 5 acres, तीसरी जगह पे 5 acres, इस तरह से ब्रांचेस बनाकर भी आगे देखिए बहुत सारे प्लानिंग्स है, जैसे कि आप लोगों की दुआएं और अल्लाह का साथ हो तो डेफिनेटली अपन भी बहुत अच्छी तादाद में ही करेंगे, पर टाइम लगेगा दोस्त, ताकि मुझे पीछे कोई नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है ना, इसलिए खुद बन रहा हूँ ना, इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा, ताकि पीछे से कुछ भी सपोर्ट नहीं है इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट सपोर्ट नहीं है कहकर मैं फील होने वाला नहीं हूँ, मेहनत पे विश्वास करने वाला हूँ मैं, इसीलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक ख्याल रखना और याद भी रखना, मैं हूँ आपका दोस्त अजमत, हैव अ नाइस डे।